यहाँ जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, क्योंकि यहाँ एक घर नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा शहर जमीन के नीचे खस्ता जा रहा है। तो बहुत परेशान हो गए, रात को कम दिख रही, जैसे सुबह उठ रहे वैसे देख रहे, सारी धरती फट रही, सारे कमरे बर्बाद हो गए, सब हम ही बर्बाद हो गए, अब कहाँ जाएं हम तो बहुत परेशान हो गए। ये आंसू शहर के साथ अपने बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए छलक रहे हैं। आंखें रात भर आसमान की ओर देखती हैं। अगर घर के अंदर हो तो छतों और दीवारों को देखती हैं। लेकिन इस बढ़ती मुसीबत ने अब जोशी मठ के लोगों को सड़कों पर उतार दिया है। जोशी मठ पर आए इस संकट के कई कारण बताए जा रहे हैं, और ये संकट कोई अचानक नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से यहाँ अपनी दस्तक दे चुका था। और शहर के करीब 500 से ज्यादा मकानों में बड़ी बड़ी दरारें इस बात का सबूत दे रही हैं। जोशी मठ पर आए इस विपदा पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष रौतेला कई कारण बताते हैं। क्या है वो कारण, आइए आपको बताते हैं। जोशी मठ जो है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है। दैट मटेरियल इज नॉट डिजाइंड और नॉट मेड टू टेक दैट मच लोड। उतना जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उतना लोड संभालने के लिए उस तरह की वहाँ पे रॉक्स, हार्ड रॉक्स नहीं है। ऐसे इलाकों में प्रायः देखा गया है कि पानी जब ज़्यादा पड़ता है, तो हाउस होल्ड वाटर हो या दूसरा हो, जो पर्कुलेटिंग वाटर है, इट टेक्स अवे फाइन्स विद इट, और उसकी वजह से ग्राउंड सब्सिडेंस कई बार शुरू हो जाता है। साथ ही वहाँ पे नीचे जो अलकनंदा नदी है वो टो को इरोड कर रही है, जिसकी वजह से ऊपर मटेरियल नीचे आ रहा है। ज़्यादातर स्लोप्स जो हैं वो डिप स्लोप जिसे बोलते हैं, वो नदी की ओर झुके हुए हैं, उसके ऊपर जो मटेरियल है वो नेचुरली नीचे आने की कोशिश में रहता है। वहाँ पे आबादी है तो ये जो सब्सिडेंस हो रहा है या स्लोप मूवमेंट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके लिए एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम बनाई थी, जिसने डिटेल सर्वे पूरे इलाके का किया, कुछ रेमेडियल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स किए, जिसमें मुख्यतः हम दो भागों में उसे बांट सकते हैं। पहला ये कि टो इरोजन को रोकने के लिए अलकनंदा के किनारे तटबंध की व्यवस्था की जाए। दूसरा ये है कि पानी जमीन के अंदर कम से कम जाए, चाहे वो वर्षा का पानी हो, चाहे घरों से निकलने वाला पानी हो, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर हो, उसके लिए ड्रेनेज प्लान की व्यवस्था की जाए जहाँ पे। और उसी के साथ जो हमारा इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसमें डिटेल DPR बनाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बिना DPR के कहाँ पे एग्जैक्टली किस तरह की संरचना बननी है, किस तरह के काम करने हैं, उसका पता नहीं चलेगा। तो वो सब कामों के लिए इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी DPR इन्वाइट कर रहा है, तो वो बन जाएगी, उसी की जैसी DPR बनेगी उसी के अनुरूप सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार जोशी मठ के अस्तित्व पर जब खतरा रेड सिग्नल देने लगा, तो कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शहर को बचाने के लिए आगे आने लगे, और इसमें अनूप नौटियाल भी एक हैं। एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल कहते हैं कि जोशी मठ में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उस पर जल्दी ही अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो एक बड़ी आपदा हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में वहां बहुत तेजी से नुकसान में इजाफा हुआ है, और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले, जो कि सेस्मिक जोन 5 में आता है, अर्थक्वेक और डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां के प्रमुख शहर जोशीमठ, जो कि 6000 फीट पर स्थित है, और जोशीमठ शहर जो कि बद्रीनाथ जी का, औली, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स का गेटवे है, एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर, वहां पर पिछले कुछ दिनों में जो शहर की सिंकिंग है या भूदशाव है, उसमें एक अप्रत्याशित वृद्धि देखने को आ रही है, और ये सिलसिला पिछले काफी समय से जारी है। 4 माह पूर्व यानी अगस्त 2022 में भी एक जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल सर्वे देश और उत्तराखंड राज्य की प्रमुख संस्थाओं, उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वाडिया इंस्टीट्यूट, CBRI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो शहर में, शहर के घरों में, शहर के रिजॉर्ट्स में, जो सीलिंग्स में और अन्य जगहों पर जो क्रैक्स आ रहे थे सड़कों पर,
वो शहर की कमजोर बुनियाद के कारण, और उसके अलावा तमाम उन्होंने और कारण इंगित किए थे, उदाहरण के तौर पर चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे शहर की कैरिंग कैपेसिटी है, चाहे रिवर इरोजन है। तो लेकिन पिछले दो या तीन चार दिनों में इसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को आई है। शहर के बाशिंदों ने भी एक अभी प्रोटेस्ट, अपना मार्च निकाल करके अपनी चिंता को भी सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो बड़ा निर्माण है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसके अलावा जो भी सरकार की तरफ से स्टडीज हैं उसमें और तेजी लाई जानी चाहिए, बैकअप प्लान्स होने चाहिए। तो ऐसे तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो है उन्होंने अपनी मांग रखी है, और ये निश्चित तौर पर जो एक पूरा जो एक संवेदनशील मामला और मसला जोशीमठ शहर को लेकर, इस समय सर्दी भी जो है अपने चरम की तरफ है, तो ये बड़ा जरूरी बन जाता है कि जो सरकार की जो स्टडीज भी हो रही हैं, स्टडीज के अलावा जो भी इमीडिएट टर्म पर जो भी मेजर्स लिए जाने हैं, बैकअप मेजर्स की भी आवश्यकता है। तो इस समय ये स्थिति जोशीमठ शहर की, चमोली जिले, उत्तराखंड राज्य। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर कई लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि ये शहर टूटे ग्लेशियर के मलबे के ऊपर बसा है और कई मायनों में संवेदनशील है, तो कुछ का मानना है कि शहर में निर्माण कार्य बढ़ने से शहर की भार वहन क्षमता खत्म हो गई है। अब स्थिति भयानक तो है ही, और सरकार इसे लेकर कितनी संवेदनशील है इसका जवाब सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछने की हमने कोशिश की है। उस पर जांच चल रही है, और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान है, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट, उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को खोदकर सुरंगें बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बनने वाली रेड लाइन में 100 किलोमीटर के करीब दूरी सुरंगों के जरिए तय होगी। ऐसे में उत्तराखंड के कई शहर इलाके ऐसे हैं जो इन निर्माण कार्यों से प्रभावित हुए हैं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।